How's everyone feeling? सब किस तरह फील कर रहे हैं? Well, पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जीत लिया है, एंड वट एवर इट वॉज एंड ऑल द फ्लॉज, आज पाकिस्तान गेम में आ गया है दूसरी दफ़ा. एंड दिस टाइम हमारे अपोनेंट है श्रीलंका, जिसके खिलाफ हमारा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड इज़ अमेजिंग. इट्स 7-0, सातों मैच पाकिस्तान जीत चुका है श्रीलंका के खिलाफ. की ड्राउट और ये जो मिसिंग लिंक है, क्या ये श्रीलंका एंड कर सकता है कि नहीं? वेल, दैट्स समथिंग दैट वील हैव टू फाइंड आउट लेटर. मगर आज पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने. 1:30 में सब एक्शन होगा और टॉस हो चुका है, तो टॉस की अपडेट्स भी हम आपको दे दें, जिसमें श्रीलंका हैज़ वन द टॉस और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लोग बैटिंग करेंगे. पहले बाबर खुश लग रहे हैं और उनका कहना था कि पिच ड्राई लग रही है, सो दे ट्राई टू कंटेन श्रीलंका. और उस तरफ दूसरी तरफ इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान भी मैच चल रहा है, जिसमें इंग्लैंड काफ़ी मारदार कर रहा है. 292 for 2 इस वक्त उनका स्कोर है, एंड आई विल जस्ट टेल यू इन हाउ मेनी ओवर्स. और आपको बताएं कि 40th ओवर का गेम इस वक्त जारी है उधर. बट यहाँ टॉस हुआ था कुछ देर पहले. लेट मी गिव यू एन अपडेट एंड गिव यू अ टीम चेंज. ठीक है, आई थॉट हम लोग टॉस देख रहे हैं, ठीक है, पर टॉस में ये चेंज है. टॉस के बाद ये चेंज आपको बता दें कि आज फखर जमान वॉज एक्स टूडे, नॉट एक्स बट टोल्ड टू रेस्ट, बिकॉज वो फॉर्म में नहीं है और इस पर काफ़ी बातें हो रही है. और उनकी जगह आज अब्दुल्ला शफीक, जो वेट कर रहे थे, आज वो टीम का हिस्सा होंगे. बहुत सारे लोग कह रहे हैं वॉज इट टू अर्ली, क्या इंडिया के मैच तक उनको कैरी ऑन करके जाना चाहिए था या नहीं? वेल, लेट्स फाइंड आउट. हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे. मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायो हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. सो चले सिक्कू सबसे पहले आपके पास आते हैं. यू नो, पहले सब कह रहे थे फ़खर वीक लिंक है, रिप्लेस करे फ़खर, बट यू नो नाउ पीपल आर सेइंग कि दो तीन मैचेस उनको खेलने चाहिए थे, इससे बड़े डीमोरलाइज हो जाते हैं प्लेयर्स. सो व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ ड्रॉपिंग फ़खर? यार देखो, बात ऐसी ये है कि वो इतना हाइप क्रिएट हो गई. मैं तो ये चाह रहा था कि इंडिया तक वो खेले, इसलिए कि वो इस किस्म का प्लेयर अगर चल गया तो फिर आपको पता है कि ऊपर तक जाता है बंदा. मगर ये कि वो नहीं कर सका, मैं भी गिन रहा था कि 13-14 इनिंग्स हो गई हैं, उन्होंने 30 से ज़्यादा रन नहीं किए, वो उसी में फंसे हुए हैं. 33 उनका हाईएस्ट है उसके अंदर. तो लोगों जो है सबकी, देखें वर्ल्ड कप है ये, हर एक की निगाहें, हर एक कोई बात कर रहा है, तो सबकी निगाहें उस पर इतनी आ गई हैं कि वो शायद मजबूर हो गए उनको ड्रॉप करने में. अब्दुल्ला शफीक, कल मैं कहीं सुन रहा था कि वो सलमान आगा को जो है ओपन कराने के लिए, उसको प्रैक्टिस कराने, याया से और भट्टी साहब से ज़रूर पूछिएगा इस बारे में कि ये जो एक ये बात चली थी ये क्या थी. कि मैं खुद हैरान था कि ये सलमान आगा कहाँ से आ गया. खैर, एनीवे, इट कुड बी जस्ट रूमर्स, यू नो, यू नेवर नो. ऑब्वियस चॉइस है ये अब्दुल्ला शफीक की. आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ये पाकिस्तान की टीम है, तो गुड लक. एंड रजाक, आपसे भी बात करते हैं. यू नो, फ़खर की तो इतनी बातें हो रही हैं, इंडियन मीडिया बात कर रहा है, ऑल एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट हिम, अब्दुल्ला शफीक की उनकी जगह है, बट साथ साथ इमाम भी अंडर द रेडार हैं. आई मीन, उनको भी अपने ये स्पॉट को प्रूव करना पड़ेगा, एंड आने वाले मैचेस उनके लिए भी टफ होंगे. देखिए फातिमा, पहली बात तो ये चेंज की समझ नहीं आई, और एकदम एक मैच के बाद आप चेंज कर देना, थोड़ा सा पैनिक होने का निशान है कि आपको जो है टीम में जो कॉन्फिडेंस की एक जो होती है ना चीज़, के हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मेंटली गेम है, उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ क्योंकि ये प्लेयर्स होते हैं ना कि अपना एक माइंड होता है. और अब्दुल्ला शफीक अगर फखरी जगह पर आए हैं, अब्दुल्ला शफीक में ज़्यादा प्रेशर होगा कि ये अगर मैंने कुछ ना किया तो मैं फिर बाहर हो सकता हूँ. तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा चेंज करना चाहिए. फखर जो होता है एक्सपीरियंस से, और यू नेवर नो कि वो किसी वक्त भी एक मैच में अगर 50 करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होता है. ठीक है, अब्दुल्ला शफीक भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, मेरिट पर खेलते हैं, लाइन में आके खेलते हैं, उनके पास भी शॉट्स हैं. और फखर का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, अब्दुल्ला शफीक का पोटेंशियल डिफरेंट है. तो एकदम से इतनी अर्ली चेंज कर देना, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा टीम के लिए, अल्लाह तो करे कि ये कामयाब हो अब्दुल्ला शफीक भी, पर ये कि जरा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं. ठीक है भट्टी साहब, और बहुत सारी बातें यू नो मज़ा आती है जो ऑफ द फील्ड हो रही होती हैं. ब्रैडबर्न के भी कमेंट्स आए, उन्होंने बोला कि मिकी आर्थर जो हैं वो इनसाइड आउट ऑफ कोर्स श्रीलंका को जानते हैं, एंड यू नो वो बड़ा एडवांटेज होगा उनका आज जो होना अपनी टीम के साथ. फिर उसके साथ उन्होंने बोला कि हमारी बैटिंग पावर प्ले में क्लिक नहीं करी, मिडिल ओवर्स में थोड़े से मसाइल हैं हमारे, और डेथ ओवर्स में भी. सो तो हमारे फ्लॉज हैं, हम जीत चुके हैं बट हमारे फ्लॉज हैं, और ब्रैडबर्न इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं. फातिमा, हमने जो मैच जीता है 82 रन से जीता है नेदरलैंड के खिलाफ, लेकिन वो 10 टीमों में अगर पाकिस्तान को निकाल दे जो 9 ओपोनेंट्स हैं, सबसे वीक टीम से हमने मैच जीता है. असल जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है वो मेरे ख्याल में आज से शुरू हुआ है,
लेकिन आपने जो ग्रांट ब्रैडबर्न की बात की, ग्रांट ब्रैडबर्न ने कल बड़ी एक मुझे तो एक फनी कमेंट लगा, उन्होंने कहा कि हमारे जो खुफिया हथियार है श्रीलंका के मैच में वो मिकी आर्थर हैं, क्योंकि 3 साल श्रीलंका के साथ रहे हैं, उन्होंने सब हमें अंदर की कहानियां बता दी है कि हम किस तरह श्रीलंका को कंट्रोल करेंगे। तो मेरे ख्याल में कोचेस तो चेंज होते रहते हैं, अगर ग्रांट ब्रैडबर्न ये समझ रहे हैं कि 2020 में जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई थी तो लाहौर में तीनों T20 मिकी आर्थर उस वक्त श्रीलंका में चले गए थे, पाकिस्तान ने उन्हें हटा दिया था, तो मेरे ख्याल में वो शायद पाकिस्तान टीम की गलती थी, हमने टीम गलत सिलेक्ट की थी। लेकिन ये कह देना कि कोच के आने से हमने सारी चीजों पर होमवर्क कर लिया, होमवर्क तो देखें अब 1:30 बजे से जब मैच शुरू होगा तब होमवर्क होगा, लेकिन अभी शुरू में एक आपने बड़ी अच्छी बात कही लेकिन उससे ज्यादा डिस्कशन हुई नहीं कि फखर की तो सबने बात की है, इमामुल हक की कोई बात नहीं कर रहा, इमामुल हक का भी फेलियर काफी लंबा है, उन्होंने 20, 25, 27 ये स्कोर किया है लेकिन लंबी इनिंग्स हमने इमाम की तरफ से भी नहीं खेली है, तो हमारा मिडिल ऑर्डर तो बाद में आएगा लेकिन टॉप ऑर्डर जो है खासतौर पर ओपनर्स की परफॉर्मेंस जो है उसको हमें देखना पड़ेगा कि इमाम किस तरह परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल इमाम बिल्कुल अंडर द रेडार है, या हम लोगों को श्रीलंका को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। आई नो एक बहुत यू नो दैट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो हार गए, अनसक्सेसफुल था वो चीज़, बट उन्होंने रिजिलियंस दिखाई एंड वी हैव सीन दैट इन एशिया कप एज वेल, जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें हम सबके दिल तोड़े थे एंड उन्होंने वो चेज़ किया था, सो वो रिजिलियंस उनके अंदर है। बट नाउ श्रीलंका विल बी बैटिंग फर्स्ट, इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान आज चेस करेगा और कितने रन्स, एंड व्हेन यू वी नो इन यू नो यहाँ इस वेन्यू पे देयर गोना बी लॉट ऑफ रन्स अगर हमने कंटेन नहीं किया उनको। देखिए फातिमा, क्रिकेट को नंबर्स का खेल कहा जाता है और आदाद व शुमार के इस खेल में अगर इस राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन की हम बात करते हैं, जहाँ पाकिस्तान टीम जिस तरह बाबर आजम बता रहे थे पिछले 10 दिन से मौजूद है, ये तीसरा मैच है वर्ल्ड कप 2023 का इस मैदान पर, और इस मैदान पर जो दो मैच हुए हैं दोनों मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीम कामयाब रही है, शायद यही चीज़ जो है और दशंका के जहन वो वहमो गुमान में होगी कि इस पिच के ऊपर उन्होंने पहले बैटिंग करनी है। और जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, ठीक है पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया, जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि ये इस टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम है, लेकिन श्रीलंका की टीम 102 रन से हारी ज़रूर है जनूबी अफ्रीका से, लेकिन वो इस टूर्नामेंट का एक बड़ा मैच खेल कर आ रहे हैं, मोरल बूस्टिंग मैच खेल कर आ रहे हैं। पहले 10 ओवर जिस तरह बाबर आजम ने भी मेंशन किया टॉस के वक्त का, इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि उस मैच में श्रीलंका ने 11 ओवर में अपनी इनिंग के 100 रन मुकम्मल किए थे, और श्रीलंका को इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक है कि पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ नहीं है, बाबर आजम के अलावा इनके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसको मिस्टर रिलायबल आप कह सकते हैं, तो अगर इस टीम के ऊपर आपने प्रेशर डालना है तो 300 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने होंगे। कल 326 किए थे न्यूजीलैंड की टीम ने, और उन्होंने किसी हद तक मैं ये कहूँ कि केक वॉक की तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अभी आप कंपैरिजन कर रहे थे हमारे ओपनर्स का, आखिरी 15 एक रोज़ा मैचों में 300 किए हैं फखर जमान ने लगातार, और उसके बाद से उनका डिक्लाइन शुरू हुआ है, और 12 एक रोज़ा मैचों में 11 मरतबा उनकी बैटिंग आई है, 33 उनका हाइएस्ट स्कोर है और 208 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप इमामुल हक को उनके साथ कंपेयर करने जा रही हैं तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है नंबर्स के हिसाब से। आखिरी 10 एक रोज़ा मैचों में इमामुल हक जो हैं 3 मैचों में 50 नहीं कर सके हैं, लेकिन उन्होंने 4 निस्सेंचियाँ स्कोर की हैं। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि इमामुल हक की जो इनिंग्स है वो वाजह तौर पर इस बात को इंडिकेट कर रही है कि वो सिर्फ अपने सराउंडिंग में खेलते हैं, वो अपने लिए खेलते हैं, वो टीम के लिए कम खेलते हैं, यही फर्क है पाकिस्तान और श्रीलंका। लाइक आई सेड अर्लियर, या इट्स अ बिग टूर्नामेंट, हर किसी को अपनी जो जगह है उसको प्रूव करना पड़ेगा, यू नो, एंड इमाम वी नो इज अ गुड प्लेयर एंड वी नो फखर इज अ गुड प्लेयर एज वेल, ही ब्रिंग्स एक्सपीरियंस इज अ बिग प्लेयर, बट लेट्स सी हमारी टीम मैनेजमेंट आर डिसाइड कैन हाउ। अब्दुल्ला शफीक पे डेफिनेटली आज प्रेशर होगा, आपको बताए कि हम लोग जो स्पार्क्स स्मार्टफोन्स हैं दे गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू विन अ स्मार्टफोन, इट्स सो ईजी, आपको पहले तो नंबर नोट डाउन कर ले जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, एंड हम आपसे हर रोज़ सवाल पूछते हैं, आपने सही जवाब दे रहे हैं कुरानदाजी के जरिए, हम लोग यू नो रैंडमली एक सेलेक्ट कर लेते हैं विनर और फिर आपको मिलता है स्मार्टफोन। तो कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, कैन वी शो द क्वेश्चन प्लीज, राइट, किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा बार ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, दैट्स एन ईजी वन, ये तो सबको पता है, राइट, सिक्को आपको पता है जवाब, ये पता है, बता सकते हैं आप जवाब, किसी ने जैसे वेल नो इट्स ऑस्ट्रेलिया, शुक्र है आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, सितंबर 2021 5 तक 5 मरतबा, वी रिमेंबर दोज मैचेस, अमेजिंग अमेजिंग ऑस्ट्रेलिया, कैन दे डू दिस टाइम अराउंड नॉट, एंड सही जवाब दिया था, ठीक है, ये हमारे विनर हैं।
इनका नाम भी प्लीज हमें बता दें, क्या है? फयाज। ओके फयाज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दैट्स फयाज इज पिक्चर एंड ही वन हिमसेल्फ अ स्पार्क्स स्मार्टफोन। एंड नेक्स्ट, आज का आपको आज भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है राइट टू टेल अस के ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। लेट मी शो यू ऑन द बिग स्क्रीन के आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट क्या है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट क्या है? 2023 के आईसीसी, आई थिंक दैट्स व्हाट वी मेंट। जी जी, 2023 मतलब ये जो अभी ऑन गोइंग आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका फॉर्मेट क्या है? इतना इजी सवाल, ठीक है? अगर आपने जवाब दिया, यू कैन विन योरसेल्फ अ स्मार्टफोन। नहीं, यू कांट टेल अस। ओके, एंड वी आल्सो लुकिंग एट सम स्टैट्स राइट नाउ, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। वही तो हमने आपको बताया कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने 7 मरतबा आए हैं एंड 7 मैच पाकिस्तान जीता है। तो ये जो कर्स है, ये जो क्रिकेट कर्स है, ये क्या आज तोड़ सकता है कि नहीं? क्या श्रीलंका जो है और जिनके जो ज़बरदस्त नंबर 5 बैटर है श्रीलंका, कैन ही रियली चेंज द गेम? वी फाइंड आउट। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर इमाद वसीम। इमाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड यू नो इट्स इंटरेस्टिंग है, आज पाकिस्तान चेस करेगा, सो आई वुड लाइक टू सी कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कैसे करता है। आपने पिच भी देखी है, व्हाट डू यू फील वुड बी अ गुड स्कोर ऑन द टेबल? श्रीलंका बहुत कोशिश करेगा टू रियली पुश द लिमिट्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक श्रीलंका टफ टीम है, श्रीलंका और बैटिंग कर रहे हैं जैसे आपने कहा, एनीथिंग ओवर 275 और 250 इफ द विकेट इज स्पिनिंग will be very tough. But having said that, Pakistan ke paas momentum hai, Pakistan pehla match jeeta hua hai aur uske baad yehi kar sakte hain ki early wickets le aur unko jaldi se jaldi out karne ki koshish kare. And Imad, what do you feel about you know, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाता है, यू हैव समवन लाइक फखर, इतना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, बड़े प्लेयर है, ठीक है उनकी फॉर्म नहीं लग रही, ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, तो आज अब्दुल्ला शफीक को सेलेक्ट किया गया है उनकी जगह। एंड बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि शायद उनको इंडिया के मैच तक कैरी ऑन करना चाहिए था और फिर बाद में कुछ चेंजेस कर लेते। हाउ डू यू फील अबाउट इट? I would have done the same. मैं फखर को रखता टीम में, no doubt अब्दुल्ला शफीक is a very very good player, very fine player. लेकिन मैं अब्दुल्ला को इसलिए ना रखता क्योंकि मुझे पता है कि फखर कितना डायनामिक प्लेयर है और वो कभी भी गेम चेंज कर सकता है, और अगर मैंने उसको फर्स्ट मैच खिलाया और विनिंग कॉम्बिनेशन से मैं जाऊंगा तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होता क्योंकि पहला मैच जीते हुए सेम कॉम्बिनेशन हो, और आप उससे तक चेंज ना करें जब तक आप मैच हारे ना बुरी तरह। I think winning combination से जाना चाहिए था, but I'm a bit surprised, but ये team management का decision, let's see how it works out. Absolutely, हमारी eyes होंगी match में। पेसर मोहम्मद आमिर has also joined us, उनको भी welcome करेंगे। Thank you for joining us, आमिर। I mean आपके सामने है, पाकिस्तान will be bowling first, तो bowling की हम लोग बात कर लेते हैं। I think best thing जो last match में हुई थी कि वो हारिस रऊफ ने थोड़ा prove किया that he's back. एंड यू नो आई फील कि वो जो मिडिल ओवर में थोड़ा हमें कोई इश्यूज़ हो रहे थे तो हारिस जस्ट कमिंग इन, वो बड़ा बूस्टर मिल गया पाकिस्तान को। और कुछ आप देखना चाहते हैं डिफरेंट इन बॉलिंग टुडे? देखिए पहले तो फातिमा थैंक यू वेरी मच, और अच्छा है, मुझे लगता है कि ये अच्छा साइन है कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है क्योंकि आई बिलीव कि हैदराबाद में अहमदाबाद में अंडर लाइट्स जो है वो बॉल अच्छा आता है बल्ले पे, और लेकिन बाबर ने भी यही कहा है कि हम टॉस जीते तो हम बॉलिंग ही करते। आई थिंक ये एक अच्छी चीज हो गई है पाकिस्तान के लिए, गुड टॉस टू लूज आई थिंक। बट आपको पता है कि शाहीन का रोल बहुत जरूरी होगा, अर्ली ऑन विकेट्स लेनी पड़ेंगी, खुशहाल मेंडिस जिस तरह की फॉर्म में है उसको आउट करना बहुत जरूरी है। अगर वो ऊपर से चार्ज लेता है, क्योंकि आपको पता है बहुत अटैकिंग प्लेयर है, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला है, अगर हम उसको आउट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और आई थिंक इस विकेट पे 270 प्लस 280 प्लस बड़ा मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए क्योंकि हमारी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, तो आपको अपनी बैटिंग को भी देखना होगा। और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर स्पिनर्स विकेट्स नहीं लेंगे तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, हमारे जैसे ओपनर्स के साथ साथ स्पिनर्स भी अंडर द स्पॉटलाइट हैं, सो यू एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू सी द स्पिनर्स परफॉर्म, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन शादाब इज वेल। बट आमिर थोड़ा सा यू नो, हमने श्रीलंका की बैटिंग की भी बात करनी है, बड़ी रेजिलियंस शो करते हैं वो लोग। आपने देखा जो साउथ अफ्रीका खिलाफ भी जो मैच था, ठीक है हार गए बट वो फाइट करते हैं एंड तक, तो देखना पड़ेगा क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो कल 322 रन बना दिए नेदरलैंड्स के खिलाफ, यहाँ कहीं श्रीलंका ऑल द वे ना ले जाए। देखिए फातिमा, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी हम ये हारना मरना शो भी कर रहे हैं उसमें यही है कि देखिए टीमें बड़ी क्लियर प्लान के साथ आई हैं,
उनको पता है कि इन कंडीशंस में हमने किस इंटेंट के साथ खेलना है और वो उस इंटेंट को ना फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी टीम वो विकेट देखती है उनको जो लगता है ना कि इस विकेट पे ये टारगेट होना चाहिए, वो उसको चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको पता है कि श्रीलंकन टीम ऐसी है कि हमेशा प्रेशर गेम्स में भी परफॉर्म करते हैं। अगर आप इनकी लास्ट बड़े टूर्नामेंट्स में देखें, परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी। अगर जो दुबई में एशिया कप हुआ था उसका ये फाइनल जीते, इस एशिया कप का ये फाइनल खेले हैं, फिर जो साउथ अफ्रीका की जो आपने बात की, जो इनका इंटेंट था, तो वो एक नजर आता कि वो एक जो वेल प्रिपेयर्ड टीम होती है, एक वेल प्लान्ड टीम होती है, वो नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये आसान गेम नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एनीथिंग अबव 250ish 270 इज गोइंग टू बी टफ फॉर पाकिस्तान। हमारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं इमाद एंड आमिर, यू नो स्टे विद अस। हम आप लोगों से आगे जाके जरूर बात करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज, बट आपको ये भी बता दें, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस राइट नाउ। बट अभी थोड़ी देर में आपको हम लोग भारत भी लेकर जाएंगे जहाँ पाकिस्तान का कौमी तराना पड़ा जाएगा। बट जस्ट इन अ मोमेंट सिक्कू भी मेरे साथ है। सिक्कू, व्हाट्स अ थ्रेटनिंग स्कोर फॉर पाकिस्तान, आई मीन जस्ट ऑन दिस पिच एंड जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस? देखिए, इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, अभी मैं देख रहा था कि इंग्लैंड ने 10 ओवर में पहले 61 किए, 20 ओवर में 128, 30 ओवर में 187, 40th ओवर में उनके 298। जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि आपने अटैक करना है बॉलर्स के ऊपर। वो जो बात हो रही है कि जो शुरू के जो 4-5 ओवर हैं जो शाहीन के होते हैं और हमारे जो नए बॉलर्स के, अगर हमने उनको रोका तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर 250 इट विल बी गुड टारगेट। अगर वो नहीं रोक सके और वो थ्रू हो गए जिस तरह के मेंडिस वगैरह पिछली दफ़ा खेले, तो एनीथिंग अबव 300 विल बी वेरी चैलेंजिंग। एंड रज़ाक, व्हाट्स योर वर्ड ऑन दैट? देखिए, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम पहले फील्डिंग क्यों करना चाहते थे, क्योंकि ये तो जो पिचेस नजर आ रही हैं इक्वल है। अगर आप पहले बैटिंग करके पॉजिटिव खेलते हैं और आपको पता है कि टारगेट कितना होना चाहिए, तो उसमें कामयाबी हो सकती है। क्योंकि 50 ओवर के बाद जो फील्डिंग करके बैटिंग करना था उसमें थोड़ा सा मसला हो जाता स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू हैदराबाद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप 2023 का सेकंड मैच है पाकिस्तान टीम का। परेरा एक तरफ, निशांका दूसरी तरफ। आज पाकिस्तान विल बी बॉलिंग फर्स्ट। बाबर आजम कहना है कि पिच लुक्स गुड एंड ड्राई, सो वे होप कर रहे हैं कि वो श्रीलंका को रीजनेबल स्कोर पर कंटेन कर लेंगे। उधर श्रीलंकन कैप्टन कह रहे हैं कि वी विल बी बैटिंग फर्स्ट बिकॉज हमने लेटर ऑन द गेम में जो पिछले मैचेस में हमने सम टर्न देखी थी, वो एक थ्रेटनिंग स्कोर देना चाहते हैं। ऑल आईज ऑन शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल। लास्ट मैच में न्यूजीलैंड ने नेदरलैंड्स के खिलाफ 322 रन का पिक स्कोर, वही लेंथ पे उसने गेंद की जो रोहित शर्मा वगैरह को करता है ऊपर में, थोड़ा सा डाउन द लेग साइड, उसको ऑफ साइड की तरफ आना पड़ेगा, तो हल्का सा मूवमेंट नजर आया। ये जो मैं कल एक चीज कह रहा था कि हम स्पिनिंग ट्रैक वो बनाएंगे, देखते हैं ये बॉल ये जगह बिल्कुल सही गिरी है, मगर इतना ज्यादा मूव नहीं हुआ जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। We also have that new, we have this romance with Shaheen with the new ball wicket, first over wicket. तो हम लोग अब सब उसको चेस करते हैं, so we want that threat. हाँ, जो पहला गेंद किया था ना उससे काफी ऊपर था, वो हल्का सा मूव हुआ मगर डाउन द लेग साइड था। ये वाला गेंद हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेंथ था, बहुत ही छोटा था शॉर्ट ऑफ लेंथ, और मगर इतना ज्यादा मूव नहीं किया उसने, बड़े आराम से उसको डिफेंस कर दिया। और उमन, अगर बहुत अच्छा मूव होता तो ये पैड पे लगता, अपील होती, शायद हम रिव्यू करते समथिंग लाइक दैट, मगर वो कुछ नहीं हुआ। लेट्स सी इनकी, और उसका मकसद यही है शाहीन का कि ऊपर से जाके वो स्विंग करे तो बैट एंड पैड हो, और बैट्समैन भी फ्रॉम द क्रीज जैसे कहते हैं ना, वो खेल रहा है, वो वहीं से खेल रहा है, उसको ही नोज। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि जो शाहीन का जहनी तौर पे वो किस तरह की बॉल करते हैं, ऊपर ला के गेंद करते हैं और वहाँ से वो इन स्विंग करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से अगर वो बाहर निकाले ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, जिसको जस्ट टोटली सरप्राइज द बैटर, दो स्लिप्स भी खड़ी हुई हैं इस वक्त। आई विश वी कुड शो दैट अगेन। ये वाला बॉल जो मैंने कहा ना, यहाँ से पढ़ के वो गेंद बाहर निकाले तो वो जो स्लिप पे खड़ी है, वुमन बैट्समैन उसके ऊपर चले जाते हैं अगर ज्यादा स्विंग होता है, मगर वो इतना टाइम मिल गया कि उसने उसको लेफ्ट कर दिया। एंड अगर रजाक हमारे साथ हैं, क्या वो भी हमारे साथ मैच देख रहे हैं? रजाक, आप भी अगर देख रहे हैं किस तरह शाहीन बॉल करे, सो आई वुड लाइक योर कमेंट्स एज वेल। हमें भी आपके लाइव कमेंट्स साथ साथ चाहिए। हां, देखिए, कंडीशन का बड़ा अमल होता है इसमें, और आपको पता होगा जो स्पिनर जो होते हैं, हर स्पिनर ब्रेक कर सकता है,
पर समटाइम कंडीशन ऐसी होती है पिचेस ऐसी मिलती है, कंडीशन में पिच भी आ जाती है, उसका एयर कंट्रैक्ट एयर वेदर भी आ सकता है, हर चीज़ आ जाती है, उसमें उनको ब्रेक नहीं मिलता। इसका मतलब है कि वो ब्रेक करना चाहते हैं पर ब्रेक नहीं मिलता। तो इसी तरह शाहीन को भी देखना चाहिए, कुछ पिचों में कुछ कंडीशन वाइज आपको अगर स्विंग नहीं मिल रहा तो फिर कंटेन की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पर जरूरी नहीं होता। अगर हाँ सेकंड बॉलिंग कर रहा था पाकिस्तान तो शायद लाइट्स ऑन होती, थोड़ा सा वेदर चेंज होता तो आपको थोड़ी मूवमेंट मिलती। तो ये कंडीशन का बड़ा अमल दखल है स्विंग में भी और ब्रेक करने में भी, तो इनको देखना चाहिए पिच के मुताबिक बॉलिंग करें, अगर नहीं है स्विंग तो फिर कंटेन की तरह बैट्समैन को गलती करने। जी अब आखिरी गेंद की जी शाहीन ने, ये ट्रेंड बन गया है इसका, थोड़ा सा इसकी टेंडेंसी हो गई है कि वो आगे की तरफ जाके टांग की तरफ गेंद करना, और ये इतना भी यूजफुल नहीं होता इसको अगर वो फ्लिक करे या उसको खेले, ठीक है तो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर ही रखे और प्लस बाउंस जरूर करे। मैं हैरान हूँ कि शुरू के अंदर ये बाउंस नहीं करता, इसको जरूर करना चाहिए था कि बैट्समैन जो है ना फिर डबल माइंड होता है कि मैं ऊपर आकर खेलूँ पीछे जाऊँ, और आप बाउंस कर रहे होते हैं तो उसको लगता है कि यार इसकी नीयत ख़राब है, ये मुझे बाउंस करेगा। ठीक है। एंड या हम लोग देख रहे हैं भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप लोग भी मैच देख रहे हैं, एंड भट्टी साहब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि निशांका जो है अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, वी डिड वेल फॉर द फर्स्ट ओवर। थ्रेटनिंग होता है व्हेन यू हैव समवन लाइक शाहीन बॉलिंग द फर्स्ट ओवर। आई थिंक भट्टी साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही, बट या आई विल थ्रो द सेम क्वेश्चन एट यू। देखिए फातिमा, अभी तो पहला ओवर था ये, और पहले ओवर में लाइन ऑफ अटैक शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लेग साइड पर ज़्यादा बॉल डाल रहे थे और चौका भी उन्होंने फाइन लेग पर करवाया। बट आज के मैच में मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को तो वो बी केयरफुल खेलेंगे, लास्ट मैच में भी वो पहले स्पेल में उन्होंने 3 ओवर डाले थे, कोई विकेट नहीं ले सके थे। आसान अली देखना होगा कि उनको किस तरह हैंडल और टैकल करते हैं श्रीलंका के बैट्समैन। 32 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त हैदराबाद का वेदर है, और पाकिस्तान के तमाम ही खिलाड़ियों को जब पाकिस्तान का कौमी तराना हो रहा था आपने देखा कि उन्होंने जो है वो क्रीम लगाई हुई थी मुंह के ऊपर। जो चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ वहाँ पर भी ठीक ठाक टेम्परेचर था, तो क्या इस वक्त 46 किलोमीटर फी घंटा इस वक्त जो है वो ह्यूमिडिटी है हैदराबाद दक्कन में, इस चीज़ का कोई फ़ायदा पाकिस्तान टीम को होता है या नहीं होता? बट जो ड्यू फैक्टर की बात है वो अब तक इस टूर्नामेंट में हमको दिखा नहीं है कि ड्यू फैक्टर अगर होता तो डेफिनेटली श्रीलंका के कप्तान जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग के लिए यहाँ पर नहीं जाते। तो अब शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर तो एक चौके के साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। ठीक है या और बिल्कुल यही मैं डाइवर्ट कर दूंगी भट्टी साहब की तरफ, और जिस तरह आप भी इसके वर्ड से पिकअप करूंगी भट्टी साहब, ऑल आइज ऑन हसन अली एज वेल कि वो अब किस तरह इसको आगे लेकर चलते हैं। आई थिंक लास्ट मैच के बाद उनको एक बूस्टर या एक कॉन्फिडेंस मिला था, सो वी होपिंग कि वो उसको कैरी ऑन करेंगे। अभी इस वक्त हम भी उनको उनकी बॉलिंग भी देख रहे हैं साथ साथ। देखिए फातिमा, हसन अली बहुत ज्यादा जब उनका टीम सिलेक्शन हो गया क्रिटिसाइज बहुत हुए कि उनको टीम में नहीं होना चाहिए था, जमान खान को होना चाहिए था, फिर वार्म अप मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। लेकिन पहला मैच जो उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ खेला शुरू में थोड़े से वो शेकी नजर आए, लेकिन उसके बाद देखें कि हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल में हसन अली आस्ते आस्ते रिदम पकड़ेंगे, क्योंकि पीछे वसीम जूनियर बैठे हुए, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपडेट दी कि जो 3 प्रीमियर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं नसीम, एहसान और हसनैन, ये तीनों अभी इनको फिट होने में मेरे ख्याल 3-4 महीने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की हमें टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, तो हसन अली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सीनियर प्लेयर हैं, पिछले वर्ल्ड कप में हसन अली पाकिस्तान टीम का पार्ट थे। लेकिन मुझे एक चीज पे मैं चाहूंगा कि अब्दुल रजाक और सिप्पू भाई इस पे बात करें कि जब बाबर आजम कह रहे हैं कि ड्राई पिच नजर आ रही है जी, अगर ड्राई पिच है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए सेकंड इनिंग में मुश्किल होगी, गेंद ज्यादा ब्रेक करेगा। एग्जैक्टली व्हाट द श्रीलंकन कैप्टन सेड भट्टी साहब, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। बट ठीक है, आपने सवाल, ओके आई थिंक हसन अली को ब्रेक थ्रू मिल गया है, एंड व्हाइल आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू, कोई डेंजर मैन गए हैं क्या इस वक्त सिक्कू एंड यू आल्सो बिकॉज़ आप देख रहे थे, वाज इट परेरा यस इट वाज, हम आपसे बात कर रहे थे, एग्जैक्टली द ब्रेक थ्रू पाकिस्तान वाज लुकिंग फॉर अर्ली इन द गेम, थोड़ा सा श्रीलंका का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होगा विद ओपनर परेरा, जो जब चलते हैं तो इट लुक्स वेरी डेंजरस, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, और हसन अली को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला। आई गॉट टू मिस दैट बॉल, हसन अली का द डेंजर मैन परेरा आउट, 8 रन्स बना लिए श्रीलंका ने, 9 रन्स विद, नाउ कैन वी आल्सो हैव अ लुक एट दैट विकेट, एंड सिक्कू वी रियली वांट यू टू एनालाइज दैट, ये निक थ्रू जो की थी, या
कैन वी शो दैट ऑन बिग स्क्रीन? ऑन द स्क्रीन अब आप देख ले। हां इधर शाहीन को भी चाहिए कि उसी एंगल पे गेंद करे, दो स्लिपें खड़ी हैं आउटसाइड ऑफ से, वहां से गेंद अगर अंदर आ जाता है उसका तो वो ज्यादा वाज इट एक्स्ट्रा बाउंस आई डोंट नो, थोड़ा सा नया बॉल है तो ऑब्वियसली वो लाके ऊपर से मारता है ना हसन, तो उसको ऑफ स्टंप के ऊपर अच्छा वो उसको हल्का फुल्का बाउंस मिल जाता है, फ्रेश विकेट है और हल्का फुल्का मॉइस्चर भी होगा, ड्राई भी है, तो ही मस्ट ट्राई एंड बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप। अभी भी देखें शाहीन जो कोशिश कर रहे हैं ना बहुत जोर लगा के, मैंने ये आखिरी बॉल नहीं देखा, इसका ज़्यादातर कोशिश होती है कि टांग की तरफ से वो अंदर लेके आए, वो अगर जब नहीं हो रहा बॉलर को फौरन एनालाइज कर लेना चाहिए कि मेरा वो वाला गेंद अच्छा वाला अंदर नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा ऑफसाइड ऑफ स्टंप आ जाऊँ, लेट हिम प्ले। अच्छा अनीरा रज़ा के देखिए क्या आपको लगता है, समथिंग रॉन्ग विद शाहीन, मतलब उनकी जो रफ्तार है या पेस है, कुछ कुछ मसा कुछ लग रहा है कि समथिंग दैट्स बॉदरिंग हिम देयर, मे बी आई डोंट नो कोई इंजरी हो छोटी मोटी। फातिमा हर बॉलर का एक इंपैक्ट होता है और जैसे शाहीन ने पास में विकेट ली है तो वो सारे एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि शाहीन वैसे की ही सेम बॉलिंग करके दिखाएगा जैसे इंडिया के खिलाफ उन्होंने विकेट ली, एक एक ओवर में दो दो बोल्ड भी किए उन्होंने, तो ये क्रिकेट ऐसी है हर जगह पे ऐसा नहीं होता, कंडीशन बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब ये जो पिच है इस लेंथ में हसन अली बॉलिंग कर रहे हैं, ये पिच की रिक्वायरमेंट ये है कि आप ला के इसको हिट करें तो आपको थोड़ा बाउंस भी मिलेगा, क्योंकि सारे बॉलर हमारे सीम हिट करते हैं, तो जो बॉलर सीम हिट करते हैं उनको पिच की वजह से अगर स्विंग नहीं मिल रहा तो बाउंस डेफिनेटली मिलता है, और नया बॉलर नया बॉल स्किप करता ही करता है, तो शाहीन को हर मैच में एक कंडीशन के मुताबिक ही बॉलिंग करनी पड़ेगी कि हाँ कहीं मिलेगी इनको स्विंग, जहाँ जब ये देखेंगे कंडीशन थोड़ी सी वेदर थोड़ा चेंज होगा ठंडा होगा तो इनको मूवमेंट मिलेगी, तो इनको हर मैच में ऐसी मूवमेंट नहीं मिलती, इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ स्ट्रगल करते हैं। ठीक है एंड या आप वेदर की बात कर रहे थे हैदराबाद की, आई नो इट्स वेरी हॉट, काफ़ी गर्मी है वहाँ पर, अभी ऐसे लग रहा है जैसे कोई ओवरकास्ट कंडीशंस हो रहे हैं या मेरी आंखें हैं जो ये जैसे देख रही है कि बादल आए हुए हैं, आई नो देयर इज नो चांस ऑफ रेन, सुबह उठते ही मैंने सबसे पहली चीज़ ये देखी थी। जी ठीक कह रही हैं फातिमा आप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त दर्जे हरारत है और कम से कम टेम्परेचर 23 है, तो शाम को हो सकता है कि अंडर लाइट कुछ हल्की फुल्की जो है वो यहाँ पर ठंडा मौसम हो, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा टॉस जीता है मेरा ख्याल है और पाकिस्तान ने अब ब्रेक थ्रू लिया है और शाहीन आफरीदी थोड़े से वेवर्ड लग रहे हैं, एक चौका भी उनको अपने सेकंड ओवर में लगा है, 4 वाइड बॉल अब तक पाकिस्तान के बॉलर कर चुके हैं, 3 वाइड शाहीन आफरीदी ने किया है, 1 वाइड जो है वो हसन अली ने किया है, और आप वाइड उस वक्त करते हैं जब आप जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक अपने तजुर्बे की मुशाहदे की बुनियाद पर बात करें कि इस पिच के ऊपर आपने ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, तो जोर लगा रहे हैं आप वाइड बॉल कर रहे हैं और बहरहाल श्रीलंका एक डाउन है, लेकिन वो जिस स्टार्ट की ख्वाहिश रखते हैं पहला उनके लिए सुख का सांस तो ये होगा कि शाहीन के ओवर वो निकाल दें और शाहीन को विकेट ना दें, शाहीन को विकेट ना देने के चक्कर में हसन अली के हाथों वो एक विकेट गंवा चुके हैं। एंड इंटरेस्टिंग होगा कि वो लोग मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान क्या गेम प्लान लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अब उनके मिडिल ओवर्स पे इतनी बातें हो रही है, बट भट्टी साहब मैच तो साथ साथ चल रहा है, 14 रन बना रहे श्रीलंका ने विद 1 डाउन, मगर थोड़ा सा बताइएगा क्राउड का भी, क्योंकि अभी भी मैं देख रही थी कि जब बाबर आजम बोलना शुरू करते हैं पीछे से क्राउड रोर करता है, तो फेवरेट तो है बाबर इंडिया में भी, बहुत सारे उनकी फॉलोइंग है, मगर क्राउड लग रहा है सिर्फ इंडिया के मैचेस पे ही आ रहा है, इतना खास कुछ टर्नआउट नहीं हो रहा है, इस पर बहुत बहस हो रही है। देखिए फातिमा इंडिया का जो चेन्नई पे मैच हुआ उसमें भी 6,000 सीट्स खाली थी, क्योंकि बीसीसीआई के लिए बहुत सारे मिसमैनेजमेंट के पहलू हैं जो उनका मीडिया ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात कर रहा है कि क्राउड को लाने में नाकाम रहे हैं, वो कहते हैं कि जी जो टिकट्स हैं वो अशराफिया के लिए होल्ड करनी है, जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया में ये मसला रहता है कि हर आदमी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, या तो आप बॉक्स ऑफिस बनाए स्टेडियम के बाहर जहाँ पे लोग टिकट परचेज करें, अब ये टिकट्स ऑनलाइन खरीदना हर एक के बस की नहीं है, फिर जिन लोगों ने पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए टिकट परचेज किए हैं जो पाकिस्तानी जाना चाहते हैं उनको वीजा का इशू है, तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल इंडिया ने इतने बड़े बड़े स्टेडियम तो बना लिए, हो सकता है सैटरडे को स्टेडियम फुल हो जाए, लेकिन उसके अलावा तो अभी तक हमें 50% भी स्टेडियम भरते हुए नजर नहीं आ रहे। हैदराबाद में एक चीज अच्छी है कि पाकिस्तान ने पहले 2 वीक्स गुजारे, लेकिन हैदराबाद में पाकिस्तान टीम को एक अच्छा माहौल मिला, क्राउड ने अच्छा अप्रिशिएट किया, इवन जब एयरपोर्ट से टीम बाहर आई तो लोगों ने उसका अच्छा वेलकम किया, लेकिन अहमदाबाद जब कल टीम पहुंचेगी
उस वक्त क्या माहौल होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। या श्योर, गो अहेड भट्टी साहब, मैं और आपसे याया से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको के पास ये केस गया था, प्राइम मिनिस्टर के पास और फॉरेन मिनिस्टर के पास, कि हमें इंडिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या उस वक्त उन्होंने श्योरिटीज ली थी आईसीसी से? क्या उन्होंने लिख के दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने या बीसीसीआई ने कि हम इन लोगों को वीज़ा देंगे, सहाफ़ियों को, ये जो जो फैंस हैं उनको वीज़ा देंगे? क्या उस वक्त तो ये बात नहीं हुई थी कि हमने बस ब्लैंक उनको बोला हाँ चले जाओ, ये पाकिस्तान के सियासी मसला नहीं, हमें स्पोर्ट्स में जो है ना सियासत नहीं लानी चाहिए? क्या ये श्योरिटीज़ हैं पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के पास? नहीं सिक्कू भाई, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी की तो बिल्कुल भी गलत को कर दिया ना उन्होंने। मेंबर कंट्री एग्रीमेंट है वो भी इंडिया ने साइन नहीं किया। आज इंडिया पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वीजा नहीं दे रहा, पाकिस्तानी फैंस को वीजा नहीं दे रहा, ज़ैनब अब्बास के साथ जो हुआ, और 2016 में जब इससे पहले हम गए थे, बाकायदा हमारी एक सिक्योरिटी टीम गई थी जिसने सारी सिचुएशन को मॉनिटर किया था। इस बार मुझे नहीं लग रहा कि आज तो देखें ट्यूजडे का दिन भी खत्म होने जा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तानी मीडिया और फैंस जो हैं वो इंडिया के मैच तक पहुंच पाएंगे। भट्टी साहब, तो ये नहीं लग रहा कि हमने बहुत ज्यादा हम जाके बिच गए हैं उनके सामने, ना हमने कोई श्योरिटी ली, ना हमने अपनी सिक्योरिटी टीम, हम कह तो सकते थे ना कि हम अपनी सिक्योरिटी टीम भेजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सारी दुनिया की टीमें करती हैं। ठीक है, सिको योर पॉइंट प्रूवन, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा कैन वी शो द मैच थोड़ा सा विजुअल एज वेल, कमिंग बैक टू द मैच, बिकॉज पाकिस्तान इज गिविंग अवे टू मेनी एक्स्ट्रास राइट नाउ, एंड यू हैव टू रज़ाक, आपको मेकअप करना पड़ेगा बाय टेकिंग विकेट्स ऑफ कोर्स आगे जाके, बट हाउ डू यू सी द मैच एंड द कंडीशंस? अब थोड़ा सा मुझे लगता है सूरज भी बाहर निकला है। नहीं, बड़ा अच्छा पिच थोड़ा सा फर्म लग रहा है और बॉल निकल भी रहा है, और अभी हसन अली नो बॉल किया है, और ये जो एक्स्ट्राज है अभी नो बॉल या वाइड, थोड़ा सा प्रेशर जो है ना खुद बिल्ड कर देती है टीम जो फील्डिंग कर रही होती है, और नो बॉल करने के बाद जो फ्री हिट पे उनको चौका भी लगा, तो ये जो साइन होते हैं ये थोड़ा सा अच्छे नहीं होते, ये एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमने कोई 15-20 रन एक्स्ट्रा पे दे दिए तो ये पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। उधर इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान भी मैच जारी, लास्ट ओवर चल रहे हैं, सिक्को मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो तो 400 प्लस कर देगा, बट नॉट अ बैड स्कोर, बांग्लादेश को स्कोर देख के थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाएगी, बट चेस करना पड़ेगा उनको, बिग स्कोर, इट्स गोइंग टू बी 354, सो दे ऑलमोस्ट हाफवे देयर, बट ये कि भी ओवर 49 हां, ये मतलब मेरा भी टारगेट था कि 400 तक पहुंचेंगे, मगर 60-65 तक मुझे लगता है कि ये पहुंचेगा इंग्लैंड की टीम, और बांग्लादेश ने थोड़ा सा होल्ड कर लिया है। बड़ा ह्यूज स्कोर होता है, मतलब मैं आप चेस करने जा रहे हो आपके सामने 364, श्रीलंका ने भी अच्छी कोशिश की थी पिछले मैच में 400-450 रन को चेस करने की, मगर ये कि इट्स अ डिफिकल्ट। ठीक है, बिफोर आई लेट ऑल ऑफ यू गो, क्विकली आप लोग बता दें कि कितना स्कोर पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हुआ, क्योंकि हम लोग फिर उसके बाद क्लोज करेंगे, फिर आपको इनिंग्स ब्रेक पे मिलेंगे। सो वी स्टार्ट विद यू याया, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर श्रीलंका ने किए तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है भट्टी साहब, 300 के नीचे अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग थ्रू आवर मैच देख रहे हैं, हम लोग पॉइंटर्स नोट डाउन करेंगे और हम आपको मिलेंगे इनिंग्स ब्रेक पे, होपफुली अराउंड 5 o'clock पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, अराउंड दैट टाइम, सो आप लोग जी न्यूज़ भी देखते रहे, एंड वील सी यू देन, अल्लाह हाफिज।